सो गाइस, इस वीडियो को पहले मैंने दो वीडियो अपलोड करा था, एक वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड था और एक फोटो एडिटिंग से रिलेटेड था। तो अगर आप लोगों ने इस दो वीडियो को नहीं देखे हो गाइस तो देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं बताऊंगा गाइस कि इस तरह आप कैसे फोटो एडिटिंग कर सकते हैं जिसमें बुक्स वगैरह फ्लाइंग कर रहे हैं। तो इस तरह फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको एक बैकग्राउंड को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया, आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। सो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करने के बाद आपको पिक्सआर्ट ऐप पे ओपन कर लेना है इस बैकग्राउंड को। तो जैसे कि मैंने इस बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है पिक्सआर्ट ऐप पे, तो इसमें आपको सबसे पहले तो अपना फोटो को ऐड करनी होगी। तो ऐड करने के लिए वही तरीका है, सिंपली आपको ऐड फोटो पे जाना है और सिंपली अपना फोटो को ऐड कर लेना है। तो ये हो गया ऐड, इसके साइज को बड़ा करके सिंपली इरेजर को प्रेस करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड को हमें इरेज करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं अपना बैकग्राउंड को इस तरह इरेज कर लूँगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इस तरह बैकग्राउंड इरेज करने में थोड़ा काफ़ी टाइम लगता है लेकिन परफेक्ट तरीके से इरेज होती है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दी हूँ। सो गाइस, फाइनली हमारी बैकग्राउंड जो थी वो इरेज हो चुकी है अच्छी तरीके से। तो अब मैं इसे साइज को छोटा करके इस बुक के ऊपर प्लेस कर दूंगा, तो ये हो गया। देन इरेजर को प्रेस करके सिंपली आपको, मतलब जो मेरे यहाँ लेग्स थे वो बाहर आ गए हैं, तो इस तरह मैं इरेज कर दूंगा। तो ये परफेक्ट है। तो इसके बाद आपको एडजस्ट पे आ जाना है और यहाँ सिंपली मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा डिक्रीज कर दे रहा हूँ और इसके बाद क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये अब ठीक है गाइज। और उसके बाद आ जाऊँगा शैडोज पे, तो इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा ही डार्कनेस है, तो इसे मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ। और इसके बाद आपको टेम को तो इंक्रीज ही करना पड़ेगा और इसके बाद कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज कर दूँगा। तो ये हो गया। देन इसे मैं सिंपली डन कर दूँगा। तो ये हो गया डन। सो इस इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ नीचे देखने को मिलेगा लेंस फ्लेयर, तो उसे प्रेस करेंगे और इस ऑरेंज वाली लेंस फ्लेयर को अप्लाई करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। और इस तरह साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर अच्छे से सेट कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी को जो है उसे थोड़ा कम कर देंगे और इसे डन कर देंगे। तो ये हो गया डन। तो इस पिक्सआर्ट का लास्ट वर्क बचा है, तो मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। आपको सिंपली जाना है ऐड फोटो पे और यहाँ एक हेयर पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो आपको मैं 3-4 पीएनजी दे दूंगा, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो मैं इस पीएनजी को ऐड करके सिंपली इस तरह सेट कर दूंगा छोटा करके। तो ये हो गया सेट। और अब इरेजर को प्रेस करके थोड़ा जूम कर लूँगा और इस तरह मैं इसे इरेज कर लूँगा जिससे मेरे फोटो से मैच कर जाएगा। तो ये ठीक है गाइज, इसे मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ। और इसके बाद हमें जाना होगा एडजस्ट पे और इसमें मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ और क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। डेंस शैडोज पे आके देख लेता हूँ, तो इसे मैं थोड़ा सा प्लस पे रख देता हूँ। और टाइम पे आने के बाद तो आपको इसे इंक्रीज करना ही पड़ेगा और इसे डन कर दूंगा। तो ये हो गया डन। और इसके बाद इसे अगेन डन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा डन। तो ये पिक्सआर्ट ऐप का काम हो चुका है गाइस। तो सिंपली आपको जाना होगा सिंपली ड्रॉ वाली ऑप्शन में और 3 डॉट वाली ऑप्शन को प्रेस करके आपको सेव इमेज को प्रेस कर देना है जिससे हो जाएगा सेव। तो पिक्सआर्ट ऐप का काम हो चुका है। तो अब हम ओपन करेंगे लाइटरूम ऐप को। अगर आपके पास लाइटरूम ऐप नहीं है गाइस तो डाउनलोड कर लेना। तो इसमें सिंपली अपना फोटो को ऐड कर लेना है, तो ऐड करना तो आपको आता ही होगा। सो ये सबसे पहले आपको इस लाइट वाली ऑप्शन पे को प्रेस करना है और एक्सपोजर को एडजस्ट करना है। तो मैं एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देन हाईलाइट को देख लेता हूँ, तो इसे मैं थोड़ा डिक्रीज करूँगा, मतलब डिक्रीज या कम करूँगा। देन शैडोज को देख लेते हैं, तो इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और वाइट को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे। सो ये हो गई। और ब्लैक्स को भी आपको 7 करना है, तो ये हो गया 777। उसके बाद गाइस आपको इस कलर वाली ऑप्शन को प्रेस करना है और इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा ऑरेंज कलर को। तो इसकी मैं सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ और लुमिनस को तो थोड़ा सा इंक्रीज ही करना पड़ेगा। तो ये हो गई। देन आपको येलो कलर को प्रेस करके आपको सैचुरेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा और वी को करना पड़ेगा कम। कम करोगे तो ऑरेंज हो जाएगा और इंक्रीज करोगे तो ग्रीन होगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं कम कर दी हूँ, तो मेरे को ऑरेंज करना था तो मैं इसे कम कर दी हूँ। सो गाइस, इस फोटो में बाकी कलर का तो यूज़ ही नहीं है सिवाय ब्लू कलर का, क्योंकि ब्लू कलर मेरा टी शर्ट का कलर है और जीन्स का कलर है। तो यहाँ के हम देख लेते हैं, तो सिंपली मैं सैचुरेशन को इंक्रीज कर दूंगा और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। और अगर आप ह्यू को कम करोगे तो गाइस स्काई ब्लू कलर हो जाएगा और प्लस पे रखोगे गाइस तो ये पूरा ब्लू हो जाएगा। तो मैं इसे माइनस पे रखा हूँ। देन इसे मैं डन कर देता हूँ। और उसके बाद इस नीचे वाली ऑप्शन को प्रेस करके सिंपली क्लैरिटी को इंक्रीज करना होगा और डीएच को भी थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा।
देन विग्नेट को माइनस पर रख देंगे और उसके बाद इस नीचे वाले ऑप्शन को प्रेस करके शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देंगे 22 पे, देन नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सो गाइस ये हो गई हमारी फोटो रेडी। तो इसे सेव करने के लिए आपको सिंपली इस 3 डॉट वाले आइकॉन को प्रेस करना होगा और सेव टू डिवाइस में जाके इसे हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी पर ओके कर देना होगा, जिससे ये हमारी फोटो हो जाएगी सेव। सो आई होप गाइस आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। और अगर गाइस आप इन वीडियोस को नहीं देखे हो गाइस तो इस वीडियो को देख सकते हैं। सो इस फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।